मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के ट्रैवल मार्ट के शुभारंभ समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास के खाटंबा में जॉन डियर ट्रैक्टर प्लांट आयोजित किसान दिवस प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भारतीय खाद्य निगम के लिए केंद्र द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष शांता कुमार ने सौजन्य भेंट की। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राय खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगला वर्ष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र की संभावनाएं दुनिया के सामने प्रदर्शित की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोएक्टिव पर्यटन नीति बनाई है। प्रदेश में किसान हितैषी सरकार है। किसान की उन्नति के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हम प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। प्रदेश कृषि विकास दर में अव्वल है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देवास के समीप खटांबा में जॉन डियर देवास वर्कर्स के ट्रैक्टर प्लांट की स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर किसान दिवस कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को औद्योगिक राज्य बनाने जा रहे हैं। यहाँ बनने वाले उत्पादों की अपनी अलग पहचान होगी। मध्य प्रदेश की मेड इन एमपी ब्रांड से पृथक पहचान बनेगी। भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन के लिए केंद्र द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। इस दौरान समिति के सदस्य और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुलाटी भी उपस्थित थे। राजधानी के अनेक इलाकों में स्वास्थ्य दल भ्रमण कर डेंगू रोग की रोकथाम के लिए सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। विगत डेढ़ माह में रोकथाम के लगातार प्रयास जारी हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम भोपाल ने समन्वय स्थापित कर अनेक वार्डों में डेंगू उत्पन्न करने वाले लार्वा को नष्ट करवाया है। शनिवार को ये कार्रवाई जारी रही। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर पंकज शुक्ला ने जानकारी दी कि नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य दल निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सकों को भी इसमें दायित्व दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाई देने का काम भी किया जा रहा है। डेंगू की जांच के लिए रोगियों के नमूने भी लगातार लिए जा रहे हैं। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने योग जागरूकता के लिए मैराथन को अवधपुरी तिराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएवी और विवेकानंद विद्यालय के लगभग 1000 छात्र छात्राएं मैराथन में शामिल हुए। मैराथन का समापन विद्यासागर संस्थान परिसर में हुआ। बाबूलाल गौर ने कहा कि सभी को योग करना चाहिए। कार्यक्रम योग पतंजलि संस्थान द्वारा किया गया। मैराथन में शामिल छात्र छात्राएं योग जागरूकता बढ़ाने के संदेश लिखी तख्तियां हाथों में थामे थे। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।